तो हमारा पहला लाइन है, हम नहीं तेरे दुश्मनों में। तो स्लोली देखते हैं। हम नहीं तेरे दुश्मनों में, क्यों हमको दीवाना बनाया बनाया, क्यों हमको दीवाना बनाया। हंगामा मूवी का गाना है, जिसे अभिजीत भट्टाचार्य, सोनू निगम और अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसे ही अपने कीबोर्ड पे प्ले करना सीखने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक नई शानदार वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से एंडिंग तक वीडियो में बने रहिए, जिससे कि आप भी इस गाने को अपने कीबोर्ड पे प्ले करना बहुत ही इजी तरीके से और एक ही बार में प्ले करना सीख सकते हैं। और यदि आपको इस गाने का फुल पियानो नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग का लिंक चेक कर सकते हैं, वहां आपको इस गाने का पियानो नोट्स का लिंक मिल जाएगा। और इससे पहले हमने इसी मूवी का दो और गाना, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल तेरे पास रहने दे, और दूसरा चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली, हमने उन दोनों गाने का पियानो ट्यूटोरियल पहले ही बना चुके हैं। यदि आप उसे भी सीखना चाहें तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी आपको मजा आएगा। और आपको उन दोनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए हम सबसे पहले इस गाने में यूज हुए नोट्स देख लेते हैं। सी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी और ई। हम इतने ही नोट्स पर इस गाने को प्ले करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम आपको स्पीड में प्ले करके दिखाएंगे और फिर बाद में हम स्लोली सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला लाइन है, हम नहीं तेरे दुश्मनों में। तो कुछ इस तरह से हमारा गाना है। तो चलिए अब हम स्लोली सीखते हैं। तो हमारा पहला लाइन है, हम नहीं तेरे दुश्मनों में। तो स्लोली देखते हैं। और एक बार रिपीट करेंगे, हम नहीं तेरे दुश्मनों में। इस लाइन को दो बार रिपीट किया जाता है। तो सेकंड वाला देखते हैं, हम नहीं तेरे दुश्मनों में, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम बी तक आएंगे, फिर वापस लौट के जी शार्प में खत्म करेंगे। तो देखते हैं। तो दोनों को एक बार फिर से स्पीड में देखते हैं, तब आपका क्लियर हो जाएगा। ये पहला वाला हुआ, और ये दूसरा हुआ। तो आगे है, क्यों हमको दीवाना बनाया बनाया। पहला लाइन है, क्यों हमको दीवाना बनाया बनाया। फिर से, क्यों हमको दीवाना बनाया बनाया। और फिर से रिपीट होता है, क्यों हमको दीवाना बनाया, बिल्कुल सेम ही है। और एक बार सेकंड वाला, क्यों हमको दीवाना बनाया।
ये जो हमने सीखा उसी के बिल्कुल सेम पैटर्न पे नेक्स्ट हमारा पार्ट है, हम तो हैं तेरे दोस्तों में, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही है। तो चलिए एक बार हम स्पीड में देख लेते हैं। तो देखते हैं पहला लाइन, हम तो हैं तेरे दोस्तों में। और एक बार, हम तो हैं तेरे दोस्तों में। सेकंड वाला को देखते हैं, आगे है, क्यों तूने मेरा दिल चुराया चुराया। और एक बार, क्यों तूने मेरा दिल चुराया चुराया। नेक्स्ट लाइन, क्यों तूने मेरा दिल चुराया। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम तो हैं तेरे दोस्तों में से स्पीड में। और इस तरह से हमारा कोरस वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए हम इसके पहले वर्ड्स को देखते हैं, और इसे भी हम सबसे पहले आपको स्पीड में प्ले करके दिखाएंगे और फिर बाद में हम स्लोली सीखेंगे। तो देखते हैं, हम कहीं एक दिन यूं ही बहक मिल गए थे। तो इस तरह से हम, तो देखते हैं पहला लाइन, हम कहीं एक दिन, फिर से हम कहीं एक दिन, यूं ही बहक मिल गए थे। फिर से यूं ही बहक मिल गए थे। इश्क के प्यार के, और एक बार, इश्क के प्यार के, मस्ताने दिल खो गए थे। और एक बार, मस्ताने दिल खो गए थे। एक बार यहीं तक फिर से स्पीड में रिपीट करते हैं। इसी के जैसे हमारा नेक्स्ट दो लाइन है, फासले मिट गए, नजदीक आने लगे हम, बेखुदी यूं बढ़ी, सांसों में छाने लगे हम। तो इसे भी हम स्लोली देख लेते हैं, फासले मिट गए, और एक बार, फासले मिट गए,
नजदीक आने लगे हम, और एक बार नजदीक आने लगे हम, बेखुदी यूं बढ़ी, और एक बार बेखुदी यूं बढ़ी, सांसों में छाने लगे हम, और एक बार सांसों में छाने लगे हम, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फासले मिट गए वहां से स्पीड में। इसके बाद आगे है हम नहीं तेरे कातिलों में, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, हम तो हैं तेरे दोस्तों में, उसी के जैसे ही है। तो देखते हैं हम नहीं तेरे कातिलों में। तो देखते हैं स्लो में, हम नहीं तेरे कातिलों में, इसे भी दो बार रिपीट किया जाता है। तो जो हमने अभी प्ले किया ये पहला वाला था, तो हम दूसरे वाले को देखते हैं। आगे है क्यों जुल्फों में हमको फंसाया फंसाया, और एक बार क्यों हमको जुल्फों में फंसाया फंसाया, नेक्स्ट लाइन क्यों जुल्फों में हमको फंसाया, इसके बाद आगे है हम तो हैं तेरे दोस्तों में, इसे हम ऑलरेडी पहले ही सीख चुके हैं। और इस तरह करके हमारा पहला वाला अंतरा भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए अब हम इसके दूसरे अंतरा को देखते हैं, और ये भी हमारा पहला वाला अंतरा के जैसे ही है। यदि आप यहाँ तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके सीख गए हैं तो आपको आगे प्ले करने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसे सबसे पहले हम आपको प्ले करके दिखाएंगे एक बार, और फिर बाद में हम स्लोली सीखेंगे। तो देखते हैं, ये मेरा दिल गया बस दिल लगी में, इसे हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखेंगे, बस एक बार करके हम प्ले करेंगे स्लोली और आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा पहला लाइन है, ये मेरा दिल गया, बस दिल लगी में, भूल के ये जहां, डूबा तेरी आशिकी में, आगे बिल्कुल सेम ही है, सोचता हूं सनम, इकरार कैसे करूं मैं, प्यार के दर्द का, इजहार कैसे करूं मैं, इस वीडियो में फिर से यहीं तक देख लेते हैं।
आगे है, हम तो हैं तेरे धड़कनों में, जो हमने शुरू में सीखा था, हम नहीं तेरे दुश्मनों में, उसी के जैसे ही हैं। तो स्लोली देखते हैं, पहला लाइन है, हम तो हैं तेरी धड़कनों में, नेक्स्ट लाइन यही रिपीट होता है, आगे है, क्यों दर्द दे जिगर को बढ़ाया बढ़ाया, आगे क्यों दर्द जिगर को बढ़ाया, और इस तरह से हमारा दूसरा वाला अंतरा भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन गाना यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, गाना में एक और अंतरा है जो कि हमारा पहला और दूसरा वाला अंतरा के जैसे ही है। यदि आप यहाँ तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके सीख जाते हैं तो आप उसे बड़े ही इजी तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए हम आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो के जरिए आप इस गाने को अपने कीबोर्ड पर प्ले करना ज़रूर सीखे होंगे। और यदि आपको इस गाने का पियानो नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग का लिंक चेक कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। और इसी मूवी का दो और गाना जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हमने उन दोनों गाने का पियानो ट्यूटोरियल पहले ही बना चुके हैं। आप चाहे तो उन दोनों सॉन्ग को भी अपने पियानो पे प्ले करना सीख सकते हैं हमारे वीडियोज को देख के। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।